नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आप देख सकते हैं तबाही मच गई है, तूफान भयंकर बेकाबू हो गया है। ग्रहण तो खत्म हो गया है लेकिन ये तूफान बेकाबू हो गया है। चक्रवाती तूफान सितरंग ने बांग्लादेश के तटों पर भयंकर से अति भयंकर तबाही मचा दी है, जिसमें अब तक 20 लोगों की मौत हो गई है। अधिकांश लोगों की मौत पेड़ गिरने की वजह से हुई है। वहीं तेज हवाओं और भारी बारिश के साथ चक्रवात ने देश के एक बड़े हिस्से में घरों, फसलों और बुनियादी ढांचे को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है। यहां सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय सूत्रों ने बताया कि दक्षिण भोला जिले में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई है। लगातार दोस्तों हजारों पेड़ गिर गए हैं, सैकड़ों सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं, बिजली आपूर्ति पूरी तरीके से ठप हो गई है। स्थानीय अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि पूर्वी कमिला जिले में सोमवार को दोस्तों कई पेड़ गिरे हैं, जिसकी वजह से दोस्तों रास्ता अवरुद्ध हो गया है। वहीं दोस्तों आपको बता दें, यहां पर एक ही परिवार के 3 लोगों की भी मौत हुई है। साथ ही दोस्तों राजधानी ढाका सहित देश के अन्य हिस्सों में भारी से अत्यंत भारी भयंकर तबाही मच रही है। दोस्तों तेज हवाओं के कारण बांग्लादेश के कई तट नष्ट हो गए हैं। तूफान ने पेड़ों और घरों को उखाड़ फेंका है, इमारतों की दोस्तों छतें तोड़ दी हैं, जिससे व्यापक बिजली और पानी का संकट पैदा हो गया। देश के लगभग दोस्तों 20,000 से ज्यादा गांव में भयंकर बाढ़ आ गई है। कई अति संवेदनशील घर पूरी तरीके से खत्म हो गए हैं, हजारों घर पानी में तहस नहस हो गए हैं। लगभग अब तक 80,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है। अभी अभी 29,000 लोगों को बचा लिया है, उन्हें भी दोस्तों सुरक्षित स्थान पर भेजा जा है, सेना को अलर्ट कर दिया है। बहुत बड़ी और बुरी खबर इस वक्त आ रही है तूफान सितरंग को लेकर। सितरंग तूफान ने बांग्लादेश के अंदर तबाही मचा दी है। उधर भारत की बात करें तो भारत के दोस्तों पश्चिम बंगाल, ओडिशा के अंदर खतरनाक बारिश हो रही है। अगले 24 घंटों के भीतर त्रिपुरा, मेघालय, असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश के अंदर तूफानी बारिश होगी और यहां भी हाई अलर्ट जारी है। वहीं दोस्तों आपको बता दें, बांग्लादेश के अधिकांश हिस्सों, प्रमुख बंदरगाहों के लिए खतरे का संकेत नंबर 7 है, जबकि उत्तरी खाड़ी के ऊपर मछली पकड़ने वाली नौकाओं, ट्रोलर्स और समुद्री जहाजों को अगली सूचना तक सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी गई है। वहीं दोस्तों आपको बता दें, फुटेज के अनुसार भोला, खुलना, चटगांव और अन्य जिलों के तटीय क्षेत्र में व्यापक तबाही देखी जा रही है। बहुत ही बड़ी खबर तूफान को लेकर आई है। तूफान का रौद्र रूप बांग्लादेश के अंदर देखने को मिल रहा है। वहीं दोस्तों भारत के अन्य क्षेत्रों के अंदर भी अगले 24 घंटे तक झमाझम बारिश होगी, लेकिन सबसे ज्यादा और भयंकर से अति भयंकर त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश के अंदर अब वर्तमान में बारिश होगी। पहले दोस्तों ओडिशा, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ को हाई अलर्ट पर रखा था। अब इन सभी राज्यों के अंदर भारी से अत्यंत भारी बारिश अगले 48 घंटे तक देखी जाएगी। सावधान रहें, भारी बारिश के चलते बाहर न निकले, नदी नालों से दूर रहें। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मौसम की फिर से जानकारी आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।